एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा सामवेद के ऋषि देवल देवता सोम ईश्वर का अमृत रूप छंद गायत्री वे मंत्र गायत्री कहे गए हैं जो तीन पंक्तियों में गाए जाते हैं स्वर सड़ज प्रथम स्वर सा परिस्थापित करके इन गायत्रियों को गाया जाता है। ऋषि देवल जिसका शरीर ही उस प्रभु परमात्मा का देव स्थान बन गया है, ऐसे ऋषि हैं देवल। वे कहते हैं ओम अव्या वारे परिप्रियो हरि वरणेषु सीदति रेभु वनुष्यते मति। जिस तरह से कोई गडरिया अपनी भेड़ों को प्यार करता है वैसे ही वो आदि पुरुष परमात्मा हम आत्माओं को प्यार करता है। वो दुखों को हरने वाला हृदय में सदा विराजमान है, शुद्ध बुद्धि से उसको जाना जाता है। अंतर आत्मा से उसकी पहचान होती है। वो प्रभु जो इन आत्माओं का चरवाहा है, संसार रूपी जंगलों में वनों में इन आत्मा रूपी पशुओं को लिए फिरता है, वह जंगल के एक एक रास्ते से परिचित है। वह अपनी भेड़ बकरियों को भटकने नहीं देता और कोई भेड़ भटक भी जाती है, किसी गड्ढे में जाके गिर भी जाती है तो वहां जाके वो उसको ढूंढ लेता है, उसको निकालता है। एक बार एक पैगंबर जो कि भेड़ बकरियां चुगाते थे, शाम को उन्होंने देखा जब बकरियों को घर में लाए एक बकरी का बच्चा गायब है। सूर्य अस्त हो चुका है, अंधकार फैल गया है, कहां ढूंढूं? लैंप उन्होंने हाथ में लिया, लालटेन उस वक्त में उसको बोलते थे, और वो जंगलों में इधर उधर यहां वहां खोजते रहे खोजते रहे, पर कहीं भी उस भेड़ के बच्चे को उन्होंने नहीं पाया। पूरी रात
यहां से वहां जंगलों में ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, पर ढूंढना उन्होंने छोड़ा नहीं। यहां तक कि सुबह हो गई, निराश हताश वापस आ रहे हैं। तभी उनकी दृष्टि एक गड्ढे में पड़ी। उन्होंने देखा भेड़ का वो बच्चा उस गड्ढे में गिर गया है। बड़ा संभल के वो धीरे धीरे उतरे और उस बच्चे को देखा, कहीं चोट तो नहीं आई। भेड़ के उस बच्चे को उन्होंने अपने सीने से लगाया। पैगंबर की आंखों से आंसू बहने लगे, तेरे कहीं चोट तो नहीं आई। आकाशवाणी हुई, ए मेरे दोस्त, तू मेरे भेड़ बकरियों की परवाह करता है, इनके दुख दर्द को समझता है, बेशक मैं तेरे दुख दर्द को समझूंगा। इन्नल्लायम युहब्बल मोहिसनीन, बेशक नेक लोगों को ही परमात्मा अपना दोस्त बनाता है। युहब्बल मोहिसनीन, जिनके दिल में मोहब्बत है दूसरों के लिए, केवल इंसानों के लिए ही नहीं जानवरों के लिए भी, जिनका दिल तड़प उठता है। परमात्मा कहता है वे मेरे दोस्त हैं। रे भू वनुष्यते मति, इस वेद मंत्र में ऋषि देवल कह रहे हैं तुम ऋभु बनो। ऋभु कौन होता है? जो मस्तक से ब्राह्मण होता है, जिसके मस्तक में ब्रह्म ज्योति है, ईश्वरीय दीप्ति से जिसका मस्तक चमक रहा है, छत्र बल को तुम धारण करो, जिसकी भुजाएं सदा दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ती हैं, दूसरों की हिफाजत रक्षा और मदद जो करता है, और तीसरे वैश्य वणिक, तुम केवल अपना ही नहीं पूरे समाज का पालन पोषण करो, एक प्रजापति की तरह प्रजापति भव, प्रजा के स्वामी की तरह तुम सबका पोषण करो, और चौथे श्रमिक शूद्र, शूद्र का अर्थ दलित नहीं, घोर परिश्रम करने वाले बनो, शीघ्रता से कार्य करने वाले बनो, कारीगर जैसे होते हैं उनके कार्य, उनकी कृतियां, चाहे वो मकान बना रहे हैं, चाहे वो फलों को बेच रहे हैं, चाहे वो लकड़ी का काम कर रहे हैं, लोहे का काम कर रहे हैं, उनके कार्य से समाज की जरूरतें पूरी होती हैं,
श्रमिक, ये चारों बातें जिनमें है और एक वनचर, वनों में विचरण करने वाला एक व्यक्ति, ये पांचवा भाव हमारे यहां ऋषियों में कहा गया है। ब्राह्मण मस्तक से हम ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्म में रमण करने वाले ब्राह्मण आत्मा बने। ब्राह्मण कोई जाति नहीं। भुजाओं से, शरीर से हम बलिष्ठ बने, छत्री बने, छत्री कोई जाति नहीं। हम वणिक बने, वैश्य बने, दूसरों का पालन पोषण करने वाले प्रजापति बने, और शूद्र शीघ्रता से दूसरों के लिए कार्य करने वाले श्रमिक बने, चाहे वो कार्य खेती का हो या कोई दूसरा हो। और वनचरह, इतना सब करते हुए हमारा मन, हमारी आत्मा एक ऋषि की तरह वन में विचरण करने वाली हो। ये नहीं कि सब छोड़ के वनों में चले जाओ। वन से सदन सबै कर समझो, मन ही मां ही उदासा, रे मन ऐसा कर सन्यास। ऐसा सन्यास तुम धारण करो, घर में रहते हुए घर को जंगल और वन जैसा उजाड़ समझते हुए, किंतु उस वन में ईश्वर आराधना के पुष्प खिल रहे हों, परोपकार के पुष्प खिल रहे हों, हमारा भोजन केवल हमारे मुख तक ही ना जाए। असुर प्रवृत्ति के लोग वे होते हैं जो केवल अपने ही मुख में अन्न की आहुति डालकर संतुष्ट होते हैं। देवो भवः, तुम देव बनो, दिव्य आत्मा बनो। देवात्मा कौन है? जो दूसरों को देते हैं। अपने मुख का टुकड़ा भी जो दूसरों को अर्पित करते हैं और उसमें प्रसन्न प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, धन्यता का अनुभव करते हैं कि हमने किसी की सेवा की है। ये पांच बातें हमारे अंदर होनी चाहिए, और जब होती हैं तो हम कहलाते हैं ऋभु। ऋभु विभु होता है परमात्मा सर्वव्यापी, और वो ऋषि जिसमें ब्रह्म बल, छत्री बल, वणिक बल, श्रमिक बल और वंचर का बल होता है, ऐसी आत्मा तो हम ऋभु बने। हमारी आत्मा उस परम ब्रह्म के साथ साथ विचरण करने वाली बने। सामवेद के अगले मंत्र में ऋषि देवल कहते हैं, ओम अस्र ग्रमिंदवः पथा धर्मन्रतस्य सुश्रियः विदाना अस्य योजना। असत्य के मार्ग को छोड़ दो, मिथ्यावाद को छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो। असत्य जो ये जगत है, संसार है, इसकी नाशवानता को समझो। नाशवान जो हमारा शरीर है, इसकी नाशवानता को समझो। लेकिन इस नाशवान शरीर के भीतर अविनाशी जीव आत्मा बसता है, और इन असंख्य जीवात्माओं को जो अपनी गोद में लिए रहता है,
तीनों लोक में प्रवेश करके जो तीनों लोकों का पालन पोषण करता है, स्वर्ग लोक, अंतरिक्ष लोक और ये मृत्यु लोक, मनुष्यों का लोक, वो आदि पुरुष परमात्मा कहा जाता है। असत्य को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलो, धर्म को धारण करो। धर्म क्या है? हमारे जीवन में जो उचित है, जो श्रेष्ठ है, जो शुभ है, उसको धारण करो। जो अशुभ है, अपवित्र है, परिणाम में जो दुख देने वाले दुष्कर्म है, उनका परित्याग कर दो। ऐसा इस मंत्र के ऋषि कहते हैं और कहते हैं परमात्मा का सत्य पथ ही अमृत पथ है, अजर अमर होने का मार्ग है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, नेति नेति नेति, यहां अभी अंत नहीं है, यहां अभी अंत नहीं है। जितना तुमने जान लिया है ये बहुत कम है, थोड़ा है, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। और जब परमात्मा के मार्ग में चल पड़े हो तो पीछे पलट के चमक दमक वाले मार्ग को, जो संसार का मार्ग है, जो धोखे और छल से भरा हुआ है, जो देखने में बड़ा चमकीला मगर विष से भरा हुआ है, ऐसे मार्ग के आकर्षण में पलट मत जाना। ऐसा देवल ऋषि सामवेद के इस मंत्र में कह रहे हैं। और जो सत्य परमात्मा है उसको जान लो। एक समुद्र है और एक समुद्र में रहने वाली छोटी छोटी मछलियां हैं। मछलियां सब समुद्र से उत्पन्न होती हैं, उसी में विचरती रहती हैं और उसी में उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। वह ईश्वर समुद्र है, हम जीव आत्माएं, चाहे स्वर्ग के देवता हों या यक्ष और दैत्य हों, चाहे हम रजोगुण से भरे हुए मनुष्य हों। रजोगुण क्या होता है? आधा पुण्य और आधा पाप जिन आत्माओं में होता है, आधे चांद जैसी जिनकी स्थिति होती है, उजाला भी है और अंधेरा भी है, और दोनों एक जगह मिला हुआ है, अंधकार भी उजाला भी, पुण्य भी पाप भी। ऐसी अवस्था मनुष्यों की होती है और वे ईश्वर के मार्ग को ठीक ठीक समझ नहीं पाते। मनुष्य जब सबसे पहले इस धरती पर आया तो रात्रि में उसने एक चमकता हुआ सितारा देखा और सोचा ये ही है इस संसार को बनाने वाला परमात्मा, और वो उस सितारे के आगे नतमस्तक हुआ। किंतु प्रातःकाल होते ही वो छुप गया तारा और सूर्य उदय हुआ
उस प्रथम मनुष्य ने सोचा, ओहो ये प्रकाश पुंज कहां से ये रोशनी आ रही है, ये ही है मेरा ईश्वर। लेकिन संध्या काल हुआ, दिन समाप्त हुआ, दिवस का अंत हुआ और सूर्य भी छुप गया। वो बड़ा निराश हुआ, ये मेरा ईश्वर कैसे हो सकता है जो कुछ समय मेरे साथ था और अब मेरे साथ नहीं। रात्रि में फिर चंद्रमा उदय हुआ और उसे बड़ी शांति हुई। उस चंद्रमा के आगे वो झुका, वाह वाह वाह, ये है मेरा ईश्वर, कितना शीतल, कितना सुंदर, कितना मोहक। पर अर्धरात्रि में वो चंद्रमा भी छुप गया और वो फिर निराश हुआ। जो थोड़ी देर को चमकता है और अस्त हो जाता है, वो मेरा ईश्वर नहीं हो सकता। फिर उसकी हालत को देख के आकाशवाणी हुई, मैं सर्वत्र हूं, सब जगह हूं, तुम्हारे भीतर भी मैं ही हूं, तुम्हारा शरीर भी मेरे ही प्रकाश से बना हुआ है, ये वृक्ष, ये नदी, ये पर्वत, ये आकाश, ये सितारे, ये सूरज, ये चंद्रमा, ये सब मुझ अनंत सर्वव्यापी आदि देव के एक एक बूंद रोशनी है। तब उस आदि मनुष्य ने उस परमात्मा के रहस्य को अपनी ही आत्मा में जाना और उस परमात्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी बुद्धि बहुत कम है, मेरा ज्ञान बड़ा तुच्छ है, तिनके की तरह मेरा जीवन है, कभी इधर उड़ता है, कभी उधर उड़ जाता है। हे प्रभु, तो मुझे भटकने से बचा, हे प्रभु, मेरे नेत्र तुझको देखें, मेरे कान तुझको सुने, मेरे हाथ तेरा स्पर्श करें। तब आवाज आई, तुझ जैसे संसार में जो दूसरे हैं, उन सब में भी मेरा निवास है। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पक्षी, उन सब में मुझको ही जान के तू प्यार कर, उनका आदर कर, उनका सम्मान कर। मैं कभी तुझको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी भी तेरा त्याग नहीं करूंगा। सामवेद के अगले मंत्र में देवल ऋषि कहते हैं, ओम प्रधारा मधु अग्रियो महिरपो विगाहते हविर हविषु वंध्यः। सतो गुण को धारण करो, सतो गुण हमारी आत्मा में हमें शांति और ईश्वर की किरणें प्रदान करता है। रजोगुण भोग कामनाओं से दुखों की प्राप्ति होती है और तमस से आलस, निद्रा, क्रोध, मति भंग होने से मनुष्य विनाश की तरफ चला जाता है। तुम सतोगुण को धारण करो, मृदु वाणी बोलने वाले बनो, उत्तम कर्म करने के लिए अपने हृदय के कपाट हमेशा
खोल के रखो। बहती है अमृत धारा, चलो उसमें स्नान करो। बहती है अमृत धारा, चलो उसमें स्नान करो। सर्वस्व की दो आहुति, जो भी तुम्हारे पास है, तुम्हारा तन मन धन जीवन, सर्वस्व की दो आहुति, तब उस आदि पुरुष का महिमा गान करो। और कभी भी उस परमात्मा को मनुष्य जैसा, देवता जैसा मत समझो। मनुष्य देवता खुश भी होते हैं और नाराज भी होते हैं, कृपा भी बरसाते हैं और क्रोध भी बरसाते हैं। उनकी तुलना परमात्मा से मत करो। एक पैगंबर हुए, 40 दिनों तक भूखे प्यासे एक पर्वत के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, एक गुफा में पत्थर के नीचे, शिला के नीचे बैठे रहे परमात्मा के ध्यान में। इससे पहले कि परमात्मा की वाणी प्रकट हो, ईश्वर की विरोधी शक्ति शैतान वहां प्रकट हुआ और कहा, मैं शैतान हूं, मैं परमात्मा को नहीं मानता, तू मुझे सजदा करे तो मैं तीनों लोक का राजपाठ तुझको दे सकता हूं। जो कुछ भी तू मांगे वो सब मैं तुझको दे सकता हूं, पर कभी भी उस परमात्मा का नाम मत लेना, क्योंकि उसने दुख सुख को रचा, संसार को रचा, जीवन को रचा, मृत्यु को रचा, मेरा उससे विरोध है। तू मेरा मित्र बनेगा तो मैं तुझको सब कुछ दूंगा। उस पैगंबर ने कहा, खामोश, चुप रह, तुझको किसने बनाया, तेरा रचने वाला भी वही है और वो सबका रक्षक है। शैतान ने फिर उसको उलझाया, कहा, अगर तू इतना ही विश्वास उस परमात्मा पे करता है तो तू कूद पड़ पहाड़ से, हम देखें वो तुझे कैसे बचाता है। उस पैगंबर ने कहा, पुराने धर्म ग्रंथों में लिखा है, अपने ईश्वर की परीक्षा मत लेना, बिना देखे ही उस पर विश्वास करना, यकीन करना। ऐ शैतान, तू केवल उनको भटका सकता है जिनके भीतर पाप है। मैंने अपनी आत्मा को अपने ईश्वर को अर्पित कर दिया है और मेरे हृदय में ना पाप ठहर सकता है, ना उस परमात्मा के विरुद्ध की गई निंदा मेरे हृदय में ठहर सकती है। तू यहां से जा, तू अपना मुंह काला कर, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। मैंने अपना संपूर्ण जीवन, अपनी आत्मा उस ईश्वर को अर्पित कर दी है, वो चाहे मुझे सुख दे, दुख दे, मृत्यु दे, जीवन दे, इज्जते मंतशा वो जिल्लते मंतशा, वो ही इज्जत देने वाला और वो ही जिल्लत देने वाला है। मैं उसके दर का कुत्ता हूं, उसने जो मुझे दिया है वो मेरे लिए बहुत है, तू अपना काम कर। और तभी परमात्मा का अमृत बरसा,
प्रकाश अनंत आकाश से उतरा और उसकी आत्मा में प्रविष्ट हुआ और उसका हृदय ज्योति से परिपूर्ण हो गया। और हम सब लोगों के साथ भी ऐसा ही होना संभव है। यदि हम संसार के पापी लोगों को अपना मित्र न बनाए और जो हमारा आदिकाल से मित्र है उसके दामन को अगर हम कभी ना छोड़ें। सामवेद के अगले मंत्र में ऋषि देवल कहते हैं, ओम प्रयुजा वाचो अग्रियो वृषो अचिक्रद द्वाने सद्यामाभि सत्यो अध्वरः। ब्रह्मलोक से हमारी आत्माएं भटक गई हैं, सत्य के मार्ग को त्याग के हमने झूठ कपट छल का मार्ग पकड़ लिया है। हम लोग अमृत धाम से उतर के मृत्यु के देश में आ गए हैं। अगर हम अपने इस असत्य इस झूठ इस पाप का त्याग कर दें तो वो परमात्मा फिर से हमारा हाथ पकड़कर अपनी तरफ हमको खींच सकता है। वे लोग फिर से ऊर्ध्व में चले गए, ईश्वर की तरफ चले गए जिन्होंने पाप आचरण को त्याग दिया, जिन्होंने सत्य धर्म और विनम्रता को ग्रहण कर लिया, जिन्होंने संसार की सेवा की। वे अजर अमर हो गए। उस परमात्मा ने अपने उन मित्रों को अपने हाथ से अमृत के प्याले भर भर के पिलाए। लेकिन दुख ये है कि अपने हृदय के पाप को संताप को त्याग कर बहुत कम लोग हैं जो उस अजर अमर अविनाशी के मार्ग पर आरूढ़ होते हैं। जैसे बकरियां कांटे चबाती रहती हैं, ऊंट कांटों को खाता रहता है, कीकर बंकार के कांटे खाता है, चाहे उसके मुंह से रक्त बहता रहे लेकिन खाता वो ही है। ऐसे ही इस मृत्यु लोक में पड़ी हुई हम आत्माएं अपनी बुराइयों का त्याग नहीं करते, मरते समय तक त्याग नहीं करते। झूठ बोलते हैं तो चाहे मंदिर में शिवजी पे हाथ रखवा के कसम खिला लो, चाहे कहीं अखंड ज्योत पे कसम खिला लो, चाहे गुरु के पैरों पे हाथ रख के कसम खिला लो, झूठ बोलना है तो सब जगह झूठ ही झूठ बोलना है। ये सब हमारी आत्मा में समा गया है और परमात्मा के सामने झूठ का पर्दा नहीं चलता। जब तक अपने हाथों से हम अपने झूठ को नहीं हटाते, इस सियाह पर्दे को नहीं हटाते, तब तक उसकी किरणें हमारे अंतः स्थल का स्पर्श भी नहीं कर सकते। और ये जो काल पुरुष है, काल पुरुष जिसके अंदर जीवात्मा शरीर को धारण करता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीन गुणों को आसरा करके
जीवात्मा इस नाशवान शरीर में आता है और काल पुरुष इस जीव से कैसे खेलता है, जैसे लड़के किसी पक्षी के बच्चे को पकड़ लें, उसके पैर में धागा बांध दें और उसको उड़ाएं। कमजोर पक्षी, कमजोर पंखों वाला वो बच्चा उड़ता है और वे लड़के खींचते नीचे, टप से नीचे गिर जाता है। ऐसे ही काल पुरुष सभी मनुष्यों से, और जो सावधान नहीं रहते उनसे रात दिन खेलता रहता है, गेंद की तरह कभी इधर पटकता है कभी उधर पटकता है। सामवेद के ऋषि देवल ऋषि, देवल ऋषि का स्थान बिल्कुल हमारे पास में है, यहां गंगा बैराज से थोड़ा आगे जाइए वहां देवल नाम का एक गांव है, वो देवल ऋषि की तपोभूमि है। वहां बैठ के उन्होंने इन मंत्रों का चिंतन किया। अगले मंत्र में वो कहते हैं ओम परि यत् काव्य कवि नरमणा पुनानो अर्षति स्वर वाजी सिशासति। क्या है मुक्ति का रास्ता, क्या है मोक्ष का रास्ता, सुनो। ईश्वर के ज्ञान को आत्मा में प्राप्त करना ही उसका मार्ग है। देवी देवता भूत प्रेत पिशाच सूरज चंद्रमा इनकी पूजाएं ऐसी हैं जैसे कोई समुद्र में मछलियों के बीच चला जाए और उनसे खिलवाड़ करता रहे। उनको देख देख के कभी खुश होता है कभी दुखी होता है बस। और जिसकी दृष्टि समुद्र पे है, अपनी अंतरात्मा में जो उस परम ब्रह्म रूपी सागर को देखता है वह शांति को प्राप्त करता है। दिव्य संपदा वाले बनो, पवित्र आत्मा वाले बनो, निम्नता का त्याग कर दो, अपने से पहले दूसरों को बांटो जो तुम्हारे पास है, अन्न या धन या भोजन, तब परमात्मा तुमसे प्यार करेगा। नाम ईश्वर का है पवित्र, मुख में सदा धारण करो, पर उससे पहले अपने मन को, अपने वचन को, अपने कर्म को पावन करो, पवित्र बनाओ। अपने दोष और अमर्ष, अमर्ष द्वंद्व व्याकुलता दुश्चिंतन, जिसके द्वारा हमारे जीवन में परेशानियां पैदा होती हैं, उनका त्याग करो। अमर्ष का, द्वंद्व का, और स्वम ही मनुष्य इन सब का निवारण कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। सामवेद के अगले मंत्र में ऋषि देवल कहते हैं ओम पवमानो अभि इस प्रदो विशु राजेव सीदति यदि मृणवंति वेद सह। वो परमात्मा सम्राट की तरह झिलमिल करता हुआ मेरे भीतर आता है, मेरे अंधकार और पापों का नाश
करता चला जाता है। वो मुझे अमृत पिलाता है, वो मुझे मृत्यु की निद्रा से जगाता है। वास्तविक पूजा अपने मन को विचारों को पवित्र बनाना है। और लोग तरह तरह की पूजाओं में उलझे रहते हैं, बाहर की पूजाओं में उलझे रहते हैं और कूड़े का ढेर उनकी अंतरात्मा में भरा रहता है। इसलिए कितनी ही पूजा करें, लाखों मंत्र जपें, उनकी अंतरात्मा में कभी शांति उनको प्राप्त नहीं होती। यजुर्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिसम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधीम। जिसने हमें अपना स्वरूप दे दिया है, आत्मा हमको दी है, जो हमें शक्ति प्रदान करता है, सारा विश्व जिसकी उपासना करता है, देवगण जिसकी आज्ञा में चलते हैं, जिसकी छाया में रहना अमर होना है और जिससे दूर होना ही मृत्यु के समान है, सुख स्वरूप उस देव उस आदिदेव परम ब्रह्म को अपनी आत्मा का समर्पण करके हम उसका दिव्य पूजन करते हैं। तेरा रास्ता परमेश्वर झाड़ियों से ढक गया है, ऐसा रास्ता बरसों से जिधर कोई गया ना हो, झाड़ झंकाड़ उस रास्ते में खड़े हो जाते हैं। जैसे मुद्दतों से इस तरफ कोई गया ही नहीं हो, ऐसे ही परमात्मा का रास्ता है। जब सतयुग था उस समय में ना कहीं मंदिर होते थे ना मस्जिदें होती थी, ऋषि मुनि वृक्षों के नीचे, नदी जलाशय के तट पर उस परम ब्रह्म का चिंतन आराधन किया करते थे। उन्होंने समझ लिया इस संपूर्ण विश्व में उस परमात्मा की ही किरणें हैं, इस सूर्य में उसी की किरणें हैं, इस शरीर में उसी की किरणें हैं। और वे भटके नहीं, उन्होंने अपनी आत्मा के दर्पण को निर्मल बनाया। और आज के वक्त में हम दुनिया भर के अटंबर करते हैं, माला जपते हैं, पूजा करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, और हमारे भीतर कूड़ा कबाड़ दुर्गंध की ढेर का ढेर लगा हुआ रहता है। इसलिए हम अपने जीवन में कहीं से कहीं तक भी पहुंच नहीं पाते। तेरा रास्ता परमेश्वर झाड़ियों से ढक गया है, मुद्दतों से इस तरफ कोई भी शायद नहीं गया है। एक तू
एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा है परमात्मा, तेरा रास्ता परमेश्वर झाड़ियों से ढक गया है, परमेश्वर झाड़ियों से ढक गया है, तेरा रास्ता 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 परमेश्वर झाड़ियों से ढक गया है, मुद्दतों से इस तरफ कोई भी शायद नहीं गया है, मुद्दतों से इस तरफ कोई भी शायद नहीं गया है, मुद्दतों से इस तरफ कोई भी शायद नहीं गया है, मुद्दतों से इस तरफ कोई गया है, तेरा रास्ता परमेश्वर झाड़ियों से ढक गया है, तेरा रास्ता परमेश्वर झाड़ियों से ढक गया है, भटकते भटकते एक जंगल में पहुंच गए। उनमें एक पुजारी था और एक मौलवी था। एक ही गांव में दोनों रहते थे और दोनों में मित्रता थी, प्रेम था। सूरज छुपने को आया, पहाड़ का रास्ता था। दोनों घबरा के एक गुफा में बैठ गए। वह गुफा एक देवता की थी। रात्रि में देवता प्रकट हुआ और देखा दो व्यक्ति उसके यहां हैं। कहा, तुम दोनों मेरे मेहमान हो, लो पहले भोजन करो, पानी पियो, मुझसे घबराओ मत, मैं देवता हूं। पुजारी ने पूछा, आप कहां रहते हो? बोले, मैं परमात्मा के यहां जाता हूं, कभी कभी यहां आता हूं, आज आया हूं। उसने कहा, बड़ी कृपा हो अगर आप हमें भी परमात्मा का राजमहल दिखा दें। बोले, चलो अब मुझे वहां जाना ही है, मुझे क्या, तुम लोग भी साथ चलो। और उनको
अपनी योग शक्ति से दोनों को लेके आकाश में सितारों के ऊपर चला गया और क्या देखा, बड़ा जलूस निकलता चला आ रहा है। पुजारी ने पूछा, ये किसका जलूस है? कहा, देखते नहीं मुकुट बांधे हैं, महादेव शिव हैं और उनके पीछे सैकड़ों हजारों लाखों उनके अनुयायी बम 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 करते चले जा रहे हैं। बड़ी देर में वो जलूस पार हुआ, उनके पीछे एक और झांकी। बोले, ये कौन है कि तुम पहचानते नहीं? ये चार हाथ वाले विष्णु हैं और उनके पीछे बहुत बहुत भीड़ वैष्णव। नारायण 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 जप रहे हैं और आ रहे हैं। उनके पीछे और दूसरे देवता आ रहे हैं। 33 करोड़ देवता चले जा रहे हैं। कृष्ण महाराज आ रहे हैं, उनके पीछे उनके भक्तों की भीड़ हरे कृष्ण 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 हरे हरे करते चले जा रहे हैं। राधा जी की पालकी के पीछे राधे 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 करने वाले जा रहे हैं। ये देवताओं का जलूस बड़ी देर में समाप्त हुआ। फिर देखा पैगंबरों का जलूस आ रहा है। ये कौन है? ये आदम अलैहिस्सलाम है। उनके पीछे उनकी उम्मत, उनकी संगत, उनके पीछे फिर दूसरे पैगंबर हैं, उनकी उम्मत है, फिर और है, फिर और है, फिर और है। बड़ी देर में ये जलूस झांकियां हर्ष उल्लास नृत्य खुशी ये सब निकल गए। उस देवता ने कहा, आओ अब चले आगे। जाके देखा एक आदमी अकेला बैठा हुआ है। कहा, ये कौन है? कहा, यही तो है परमात्मा। रोशनी ही रोशनी है, ये परमात्मा है। कहा, इनके साथ कि जो साथ थे वो भीड़ तो आगे निकल गई, ये तो अकेले बैठे। कोई राम वाले हैं, कोई शिव वाले हैं, कोई कृष्ण वाले हैं, कोई ईसा वाले हैं, कोई मूसा वाले हैं, कि परमात्मा वाले, कि वो तो ढूंढने पड़ेंगे। पूरब में हिंदू लोग कहते हैं पूरब की तरफ को मुंह करके परमात्मा का नाम जपो। मुस्लिम कहते हैं पश्चिम की तरफ को मुंह करो, उधर काबा है, पवित्र स्थान है। पूरब में परमात्मा, पश्चिम में खुदा बसता। पूरब में परमात्मा, पश्चिम में खुदा बसता। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारा भगवान तो पूरब में बस रहा है, इधर को मुंह करो जिधर से सूरज निकलता है। दूसरे लोग समझते हैं, नहीं, हमारा सृजनहार तो पश्चिम में है, उधर को मुंह करके पूजा पाठ करो, आराधना करो, स्तुति करो, नमाज पढ़ो। और वे ये भी जानते हैं कि परमात्मा तो सब जगह है, सर्वत्र है,
एको देवा सर्वभूतेषु गुणः पर इधर के लोग उन वालों के दुश्मन और उधर के लोग इन वालों के दुश्मन। सबकी बुद्धि बटी हुई है, छोटी छोटी बातों में बटे हुए हैं। और जो सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा परमात्मा है उसकी तरफ को जाने वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। उसकी तरफ वो जाते हैं जिन्होंने अपना शीशा साफ कर लिया है। कोई कहता है मेरा परमात्मा तो पूरब में है, कोई कहता है मेरा खुदा पश्चिम में है। ये ऐसे लोग हैं जिनको कम दिखाई देता है। किसी आदमी को कम दिखाई देता हो तो भैंस खड़ी हो तो वो भी हाथी जैसा दिखाई पड़ता है। एक अंधा एक काना और ऊपर वाला इनको देख देख के हंसता रहता है। इन लोगों ने मेरा भी देखो कैसा मजाक बना रखा है। पूरब में परमात्मा पश्चिम में खुदा बसता, पूरब में परमात्मा पश्चिम में खुदा बसता। एक अंधा है एक काना ऊपर वाला हंसता, एक अंधा है एक काना ऊपर वाला हंसता। तेरा रास्ता परमेश्वर झाड़ियों से ढक गया है, तेरा रास्ता परमेश्वर झाड़ियों से ढक गया है। मुद्दतों से इस तरफ कोई भी शायद नहीं गया है, मुद्दतों से इस तरफ कोई भी शायद नहीं गया है। पैगंबर मूसा कोहे तूर पर पहली बार जब सनाई पर्वत की तरफ गए, लोगों ने कहा उधर मत जाओ। बोले क्यों? वहां एक अजीब गरीब शक्ति रहती है, कोई उसे कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई उसे कहता है कि वो दुनिया का बनाने वाला रचने वाला है। मूसा ने कहा जब वो दुनिया का बनाने वाला है तो दुनिया में जितनी कौम है सभी का है ना, केवल हमारे गांव का या हमारे पूर्वजों का ही थोड़े ही है। फिर उसे सब की चिंता है, सब की फिक्र है, वो हम सबका है। जमीन आसमान में जो जो आत्माएं हैं वो उन सबका है। मुझको उधर जाना है और उससे बात करनी, और वो गई। जिनके हृदय में प्रकाश हो जाता है आत्मा में, उनके लिए जिधर को भी मुंह करो उधर ही परमात्मा है। ये धरती, ये आसमान, ये पानी, ये पवन, ये अग्नि, बताओ इनका कौन सा पंथ है, कौन सा संप्रदाय है? ये सूरज, ये चांद, ये
ये सब तो उस एक ही रोशनी से पैदा है। किस पंथ के बताओ ये धरती ये आसमान, किस पंथ के बताओ ये धरती ये आसमान, पानी पवन अगन का कौन है भगवान, पानी पवन अगन का कौन है भगवान, ये चांद सूरज तारे किसका नाम जपते, ये चांद सूरज तारे किसका नाम जपते, ये राम कृष्ण विष्णु शिव किसकी पूजा करते, ये राम कृष्ण विष्णु शिव किसकी पूजा करते, लाखों लाखों करोड़ों देवता, 33 करोड़ देवता फरिश्ते, इन सब का एक ही वो आराध्य देव है। कोई कोई मनुष्य उसको अपने हृदय में बसाता है और उसकी आज्ञा का पालन करता है। लाखों फरिश्ते पैगंबर किसकी फेरे माला, लाखों फरिश्ते पैगंबर किसकी फेरे माला, देवों के माथे पे ये किसका है उजाला, देवों के माथे पे ये किसका है उजाला, सबका वो एक है सबका साजन एक, सबका वो एक है सबका साजन एक, जो उसको नहीं देखता तो किसको रहा तू देख, जो उसको नहीं देखता तो किसको रहा तू देख, तेरा रास्ता परमेश्वर झाड़ियों से ढक गया है, 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 मुद्दतों से इस तरफ कोई भी शायद नहीं गया है, मुद्दतों से इस तरफ कोई भी शायद नहीं गया है, परमात्मा तो संसार में भटकती अपनी आत्माओं को अपनी तरफ को बुलाता है पर उसकी पुकार कोई सुनता नहीं। आदमी के दिल में ही शैतान और भगवान दोनों
बैठे हुए हैं। शैतान की आवाज तेज है, उसके पीछे पीछे सब चल देते हैं। पीरों पुजारियों ने तेरा रास्ता ढक दिया है, पीरों पुजारियों ने तेरा रास्ता ढक दिया है। पीरों पीर पुजारी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सही आदमी वो है जो आदमी के दुख दर्द की बात करे। पहले जमीन पर चलने का तरीका हम सीख लें, तब आसमान को नापना शुरू करें। पीरों ने पुजारियों ने तेरा रास्ता ढक दिया है, पीरों ने पुजारियों ने तेरा रास्ता ढक दिया है। मंदिर ने मस्जिदों ने तेरा रास्ता ढक दिया है, मंदिरों ने मस्जिदों ने तेरा रास्ता ढक दिया है। तब उसकी पुकार को कौन सुने, अमृत के सागर को छोड़ के सारा संसार क्लेश दुख अज्ञान और पाप की अग्नि में जलता है। उसके दरवाजे पर पुराण कुरान के ताले, धार्मिक ग्रंथों के ताले पड़े हैं। ये धर्म ग्रंथों की आलोचना नहीं है। आप किसी पुराण को उठाओ, देवी पुराण को, शिव पुराण, विष्णु पुराण, रामायण, उसको ही उन्होंने ईश्वर का दर्जा दे दिया। और ये नहीं सोचते ये जो हमारे महापुरुष हैं ये तो योगेश्वर हैं, कृष्ण महाराज हैं, प्रभु राम हैं, शिव हैं, ब्रह्मा हैं और पैगंबर हैं। ये सब उस परमात्मा के मित्र हैं और उस परमात्मा तक ही हमको जाना है। संसार में कोई लाल कपड़े पहनता है वो पुजारी हो गया, कोई हरे काले पहनने लगा वो पीर हो गए, कोई माला तस्बी जपते हैं, मत और पंथों में फंसे रहते हैं और उनके कारनामे काले सियाह काले कारनामे करते रहते हैं, जिनको देख देख के लोग हंसते हैं। और परमात्मा भी जरूर हंसता होगा कि तेरे नाम पे देखो लोग क्या क्या कर रहे हैं। अपने अपने धर्म का पक्ष हर कोई करता है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा श्रेष्ठ है, और आपस में लड़ाइयां बजती हैं। जितनी लड़ाइयां धार्मिक लोगों ने की हैं, संसार का इतिहास उठा के देख लो। परमात्मा के नाम पे जितना लड़ाई झगड़ा, मंदिर मस्जिद, अपने अपने धर्म को सब बड़ा बताते हैं, अपने अपने धर्म का पक्ष करे हर कोई। मैं ढूंढूं कोई ऐसा हो जो तेरी तरफ को कोई जाता हो, जो सब में तेरी रोशनी को देखता हो। मुंह से कहने वाले हजार,
लेकिन आचरण में लाने वाला कोई मिलता नहीं। इसलिए जीवन में किसी को सिद्धता और सफलता प्राप्त नहीं होती। दिल में कुछ रखते हैं, मुंह से कुछ कहते हैं, हाथों पैरों से कुछ और ही काम करते हैं। जीव भाव को छोड़ के ये जीवात्मा जब ब्रह्म भाव को धारण कर लेता है, स एव ज्योति श्याम ज्योति, वो परमात्मा ज्योतियों की ज्योति, स एव परमेश्वर, वो ही परमेश्वर है, स एव ही परम ब्रह्म, निश्चय ही वो ही पार ब्रह्म है, तद ब्रह्म हम न संशय, वो परमात्मा मेरी आत्मा में निवास करता है, इसमें कोई शक नहीं। ये मेरी आत्मा, ये मेरा शरीर उसी की लहर है और वो समुद्र है। ऐसा जब हम भाव धारण कर लेते हैं तो हम उसकी निकटता को प्राप्त कर लेते हैं। मेरा मेरा कहना छोड़ दे, तेरा तेरा बोल, परम पुरुष तेरे वास्ते देगा अपना दरवाजा खोल। इंसान क्या है, कुदरत के हाथों का खिलौना है। वो नचाता रहता है, जैसे नचाता वैसे नाचते रहते हैं हम लोग। इंसान उस कुदरत के हाथ का खिलौना है। कभी कभी तो ये महसूस होता है कि आदमी के हाथ में कुछ है ही नहीं, वो मनुष्यों को बंदरों की तरह नचाता रहता है और उसके खेल को देख देख के खुश होता रहता है। इंसान क्या है, कुदरत के हाथों का खिलौना है। गिर जाए तो मट्टी, उठ जाए तो सोना है। फुल संदे वाले बाबा कहें सब में उसको देख, फुल संदे वाले बाबा कहें सब में उसको देख, लाखों पटारे लहरें सागर तो है एक, लाखों पटारे लहरें सागर तो है एक, तेरा रास्ता परमेश्वर झाड़ियों से ढक गया है, तेरा रास्ता परमेश्वर झाड़ियों से ढक गया है। मुद्दतों से इस तरफ कोई भी शायद नहीं गया है, मुद्दतों से इस तरफ कोई भी शायद नहीं गया है, तेरा रास्ता परमेश्वर झाड़ियों से ढक गया है, तेरा रास्ता परमेश्वर झाड़ियों से ढक गया है, तेरा रास्ता परमेश्वर झाड़ियों से ढक गया है, मुद्दतों से इस तरफ कोई भी शायद गया नहीं। यजुर्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते
प्रशिसम यस्य छाया, यस्य छाया अमृतम, यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आत्मस्वरूप हमें देता है, शक्ति देता है, सारा विश्व जिसकी उपासना करता है, देवगण जिसकी आज्ञा में चलते हैं, जिसकी छाया में रहना अमृत अजर अमर होना है, जिससे दूर दूर भटकना है मृत्यु जैसा है, सुख स्वरूप उस आदिदेव परमात्मा को अपनी आत्मा का समर्पण करके हम उसका पूजन करते हैं। हे परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है, तेरा उजाला तेरी पवित्र आत्माओं के साथ साथ चलता है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।